वेलकम बैक दोस्तों। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने सीखा था फॉर्मेट पेंटर के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों मैं उसे अंडू करना चाहता हूं। उसके बाद अंडू करने के बाद अब हम बात करेंगे दोस्तों इसमें एक क्लियर फॉर्मेट के बारे में। अब क्लियर फॉर्मेट क्या होता है? क्लियर फॉर्मेट दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, हमने एक व्हाइट कलर यूज किया है फॉन्ट में एंड बैकग्राउंड में हमने यूज किया है एक ग्रीन कलर। अब मुझे ये क्लियर करना है, बाय डिफॉल्ट करना है, स्टार्टिंग में जैसा था मुझे वैसा ही कर देना है। तो गाइस मैं यहाँ पे मेरे को बहुत कुछ करना पड़ेगा कि सबसे पहले फिल कलर लूंगा, इसमें नो फिल करूंगा, उसके बाद फॉन्ट का कलर चेंज करूंगा और मेरी फॉन्ट कौन सी थी पहले वो सब करूंगा। पर इतनी मगजमारी हमको नहीं करनी है, इतनी टेंशन हमको लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली होम के सेक्शन में आना है। यहाँ पे आपको क्लियर एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके साइड में आपको एक छोटा सा एरो दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लियर क्लिक करना है और यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों क्लियर फॉर्मेट के ऊपर आपने क्लिक कर दिया तो आपका जितना भी आपने सेट किया था वो यहाँ पे क्लियर हो चुका है। दोस्तों आप यहाँ पे ग्रे कलर समझ रहे होंगे, पर ये ग्रे कलर नहीं है दोस्तों, ये सिलेक्शन का कलर है, कलर सब कुछ यहाँ पे निकल चुका है। बट एक बात और दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा डेट का फॉर्मेट था वो भी निकल चुका है, उसे हमें वापस से अरेंज करना पड़ेगा। तो हम आते हैं जनरल में, जनरल के ऊपर हमने क्लिक किया, साइड में जो आइकॉन था, देन मोड नंबर फॉर्मेट, मोड नंबर फॉर्मेट में हमें कस्टम में आना है। अब स्क्रॉल डाउन करना है हमें डेट फॉर्मेट में, ये हमारा डेट फॉर्मेट आ चुका है। एंड रिमेम्बर दोस्तों हमने वाई वाई किया था 4 वाइज, ताकि हमें ईयर जो है वो कंप्लीट पूरा दिखे। तो वैसे इस टाइप से आप कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेट को क्लियर। तो एक और चीज दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये तो बात हो गई कि कैसे आप किसी भी चीज को क्लियर कर सकते हैं, यानी आपने जो भी फील किया उस बैकग्राउंड का क्लियर कर सकते हैं। बट हम चलिए पहले से वापस से फील कर देते हैं। तो गाइस जैसा कि हमने इसे वापस से फील कर दिया है, तो अगर मेरे को सेम कलर सब कुछ सेम नीचे और कहीं पेस्ट करना हो, या मुझे इसकी जगह और कोई स्टाइल डिजाइन करना हो, तो मैं कहाँ से करूंगा दोस्तों? तो जैसे कि आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है सेल स्टाइल का, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे को बहुत सारे स्टाइल मिल जाते हैं दोस्तों। जैसे मैं एरो लेके आता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे मेरे को अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल मिल जाते हैं जो मैं अपनी एक्सेल शीट में लगा सकता हूँ। पर दोस्तों मैंने एक अपना खुद का पर्सनल स्टाइल बनाया है जिसमें मैंने ग्रीन और व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन यूज किया है, मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, इस स्टाइल को मैं सेव कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे न्यू सेल स्टाइल के ऊपर क्लिक करूंगा, स्टाइल का हमारा जो नाम है उस नाम को हम चेंज कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रो स्टाइल। प्रो स्टाइल लिखने के बाद दोस्तों सिंपली मैं इसे ओके कर देता हूं, तो हमारा ये स्टाइल हो चुका है दोस्तों सेव। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मेरे को सेम स्टाइल कॉपी पेस्ट करना है, तो मैं अगेन इसमें कलर और फॉन्ट सिलेक्ट नहीं करने वाला, मैं सिंपली यहाँ पे आऊंगा दोस्तों। मैंने ये चार्ट अपने कॉलम सिलेक्ट किए हैं जहां पे मेरे को अपना यही सेम स्टाइल पेस्ट करना है जिसमें व्हाइट एंड ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन है। तो अगेन मैं यहाँ पे सेल स्टाइल में आऊंगा दोस्तों, इसके ऊपर क्लिक करूंगा और जो हमारा कस्टम स्टाइल था उसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा दोस्तों। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया है गाइस, मेरा यहाँ पे कस्टम स्टाइल सेट हो चुका है। आप देख सकते हैं ये दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और एक और बात दोस्तों कि ये मैंने स्टाइल सेट कर दिया है प्रेजेंटेशन, चलिए मैं अपने बॉस के लिए बना रहा था, मैंने अपने बॉस को यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन दे दी है। अब मेरे बॉस कहते हैं कि प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी है, पर एक थोड़ा सा चेंज करना है कि जो बैकग्राउंड में ग्रीन कलर है, ग्रीन की जगह आप यहाँ पे कर दीजिए कोई और कलर, जैसे कि उन्होंने बोल दिया कि आप यहाँ पे कोई ब्लू कलर रख दीजिए। तो अब दोस्तों मेरी मेहनत इसमें बढ़ जाएगी, मेरे को वापस से यहाँ पे तो सिर्फ दो चीजों में ही सेट किया, अगर मैंने बहुत सब जगह बहुत सारी जगह मैंने ये सब सेट करके रखा होता अपना ग्रीन कलर, तो एक एक जगह को मेरे को वापस से रीसेट करना पड़ता, ग्रीन से ब्लू कन्वर्ट करना पड़ता। पर इसका एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, आपको अगेन सेल स्टाइल के ऊपर क्लिक करना है। तो प्रो स्टाइल जो हमने सिलेक्ट किया था, सॉरी बनाया था, उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कर देना है मॉडिफाई। मॉडिफाई करने के बाद दोस्तों आपको क्लिक करना है फॉर्मेट के ऊपर। फॉर्मेट
फॉर्मेट खोलने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है फील के ऊपर, एंड देन सिंपली आपको इधर से ब्लू कलर सिलेक्ट कर देना है जो हमारे बॉस ने कहा था, अगर कोई और कलर हो तो कोई और सिलेक्ट कर देना है, उसके बाद हमें ओके दे देना है और इधर भी ओके। तो गाइस मैं माफी चाहता हूँ, मेरी वीडियो बीच में थोड़ी देर के लिए पॉज हो चुकी थी, गलती से मेरे से पॉज हो चुकी थी। तो सिंपली दोस्तों ओके करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जो चीज आपने यहाँ पे अपने स्टाइल में सेट की थी वो सब चीज यहाँ पे चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। मैं एक और बार आपको आपको इसे करके दिखाता हूँ। बट गाइस इसमें क्या था, हमने जो यहाँ पे फर्स्ट स्टाइल जहां से हमने अपना सेल का स्टाइल बनाया था उसे हम वापस से सेल स्टाइल अप्लाई करना भूल गए थे, तो आपका ये जो फर्स्ट वाला था वो चेंज नहीं हुआ था। बट मैंने इसे वापस इसमें अप्लाई कर दिया है, तो मैं कोई भी कलर चेंज करता हूँ। अब वापस से अप्लाई कैसे करते हैं दोस्तों, सिंपली आपको इन सबको सिलेक्ट करना था, जैसे कि यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद सेल स्टाइल में जाके हमने जो स्टाइल सिलेक्ट किया था उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों वो स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब वही चीज मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ऑलरेडी कर चुका था, एक और बार मैं वापस से अप्लाई कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारा डेट वापस से चेंज हो चुकी है। तो चलिए जल्दी से हम इसका फॉर्मेट चेंज कर देते हैं। मैंने यहाँ के ऊपर क्लिक किया, मोड नंबर फॉर्मेट कस्टम, कस्टम में हमने स्क्रॉल डाउन किया, हमारा डेट का सेक्शन मिल चुका है, लास्ट में हमारा फोर वाइस ओके, देन हमारा डेट चेंज हो चुका है। तो गाइस हमारे बॉस ने कह दिया कि हमको ये ब्लू कलर नहीं चाहिए, हमें कोई और कलर चाहिए, तो हमें कलर चेंज करना है। राइट क्लिक, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मॉडिफाई, मॉडिफाई करने के बाद फॉर्मेट, उसके बाद फी, देन हमको ब्लू कलर नहीं चाहिए, हमें चाहिए अगेन ग्रीन कलर, ग्रीन कलर हमने सिलेक्ट कर लिया है, ग्रीन भी नहीं चाहिए, ऑरेंज चाहिए हमको, चलिए ऑरेंज कलर ले लेते हैं, ऑरेंज कलर हमने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद ओके, अगेन हमने ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा ये सब जगह जहां भी हमने वो स्टाइल अप्लाई किया था वो सब जगह ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा दोस्तों। अगर आपने वही कलर यहाँ से अप्लाई किया होता तो आपको एक एक चीज पर्सनली चेंज करनी पड़ती दोस्तों। इसीलिए दोस्तों आप अपना सेल स्टाइल खुद नया बनाइए और अपनी फाइल में वही सेल स्टाइल पूरी फाइल में यूज कीजिए, ताकि अगर आपको उसका कोई कलर चेंज करना हो, कोई फॉन्ट चेंज करना हो, या उसका फॉन्ट का कलर कुछ भी आपको चेंज करना हो दोस्तों, तो आप सिर्फ एक क्लिक में सब जगह चेंज कर पाए। तो चलिए दोस्तों आप भी इस चीज को ट्राई कीजिएगा और हम आपसे मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में।